मौसम है ना यहीं से मोस्ट वाला दिख रहा है ना, ये देखो क्लाउडी मौसम पूरा, ये बहुत बड़ी क्लैश है, क्लैश क्लैश। मेन्यू पिट रहा है, क्या पिट रहा है रे? एक साथ में ना एक जैसी गाड़ियां होनी चाहिए। ओ भाई मजा, और हैंडलिंग कर रहा है स्प्लेंडर पे। अरे तो ला दो को देना। चाबी हो गई थी, हालत हो गई खराब, कम से कम एक घंटा हो गया। पूरी बाइक का मेरा सामान है ना वो मैंने अनलोड किया, चेक किया इसकी बाइक का, चेक किया मैंने हैप्पी की बाइक का, और ये टक्कर वापस बुलाया 10 किलोमीटर से और इसी की बैग में निकला यार। सो गाइस अभी बस रवाना होना है, आईफोन अपना चार्ज हो रहा है। चलो प्रो राइडर, चलो चलो भाई आगे जाने दो हमें भी। So guys, welcome back again my YouTube channel Flying Heroes। आज की हमारी प्लानिंग रहने वाली है कि हम कुल्लू में जाएंगे सबसे पहले और कुल्लू में राफ्टिंग करेंगे। और अभी टाइम क्या हुआ है, 8 बज चुके हैं यार, बहुत लेट हो चुका है निकलते निकलते। वो जो चाबी थी ना जो मेरी बाइक की वो ना कहीं हम सोए थे ना वहाँ कम्बल में ही रह गए थे, तो उस वजह से फिर उसको ढूंढने में बहुत ही तगड़ा वाला टाइम लग गया था यार, 1 घंटा ख़राब हो गया तकरीबन। और मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, टेंशन पूरी हो चुकी थी यार, मैंने व्लॉग ही नहीं शूट किया, मैंने कहा यार क्या ही कर सकते यार, बिना चाबी तो जा ही नहीं सकते यार। सुबह सुबह का मौसम मैंने राइड करने में मज़ा ही अलग है, धुंध बहुत तगड़ी वाली यार, इधर पूरा फोगी है। और ये ना ये देखो, रात को मेरी बाइक खड़ी थी तो किसी ने तोड़ दिया यार, पता नहीं क्या ही हुआ यार, ग्लास तोड़ दिया। मौसम है ना यहीं से मोस्ट वाला दिख रहा है ना, ये देखो क्लाउडी मौसम पूरा, गजब यार फीलिंग आ रहा है सच में यार। वो तो माउंटेन के ऊपर पेड़ है ना एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं यार, एकदम छोटे छोटे। ये अपने लोग यहाँ पे क्यों खड़े यार, क्या हुआ क्या हुआ? ये वाला लुक मस्त है ना, रिवर चलती हुई, अगर यहाँ पे ड्रोन छोड़ लेना सच में मजा बहुत आए। और यहाँ पर ना ये मनाली वाली जो हाईवे है ना इस पे इतना ट्रैफिक रहता है यार, इतना ट्रैफिक रहता है कि पूछो मत यार, बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है यार ट्रैफिक। अगर आपके पास कार होती है ना तो फिर आपको बहुत इशू होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये गाड़ियाँ क्यों रखी है? अच्छा वो पानी भरने के लिए इधर से, हाँ सही है यार, पहाड़ों का जो बर्फ़ का जो पानी मेल्ट होता है ना। अरे मंडी आ गया, मंडी 1 किलोमीटर बस। जब ही सोच रहा हूँ मैं कि ये इतने मस्त मस्त व्यू कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी जगह आ गई है, तो फाइनली ये मंडी में पहुँच चुके। अब गजब है ना मंडी यार, कैसे पहाड़ों में बसे और ये लोग ना कैसे जाते होंगे ना, इनकी जो डेली की जो चढ़ाई है, गाड़ियाँ वगैरह कैसे लेके जाते होंगे क्या ही पता यार। कुछ कुछ लोग घर तो मैंने ऐसे देखे हैं कि एकदम पूरे रास्ते भी नहीं होते यार, तो वो कैसे रहते होंगे ना, गाड़ी नीचे पार्क करके फिर ऊपर पैदल चल के जाना, ये बहुत इशू लगता है। सभी मंडी से निकले हुए हैं, 3 किलोमीटर हो गया और 1 किलोमीटर और चलना है अपने को, उसके बाद अपने जो फ्रेंड लोग हैं ना वो वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ नाश्ता वास्ता करना है यार, भूख लगी तकड़ी वाली सच में कह रहा हूँ यार। रात को खाना तो हमने खुद नहीं बनाया था पर मज़ा बहुत आया था यार। मैं ना एक बार ये भी सोच रहा हूँ कि यार कोई ना जैसे कि जिस फार्म में वो जो रिवर है ना, रिवर के पास में एक बार कैंप लगाएं, वहाँ से पानी खुद ही भरें और खुद ही खाना वाना बनाएं, तो यार वो फीलिंग एक अलग ही होती है यार वो। अरे यार क्या जाम है यार, ये सच में कह रहा हूँ ना, ये इधर वाला पहाड़ों में ना ये इशू रहता है यार, सच में कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी क्लैश है, क्लैश क्लैश। चलो भाई बस वाले थोड़ा सा साइड दे दो, हम निकल जाएंगे। ये देखो ये ऐसा निकलते 398 डिग्री। भाई प्लीज़ अपना प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ना प्लीज़ पूरा देखा करो यार, क्योंकि वो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता ना, अगर आप थोड़ा सा देख के छोड़ दोगे तो एल्गोरिदम समझेगा वीडियो एकदम बेकार है यार, तो फिर ना वो आगे लोगों तक ना इंप्रेशन नहीं सेंड करता यार, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार। मेरे को 2.5 साल से ऊपर हो गए यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी यार, मेरा भी हेल्प हो जाएगा यार प्लीज़। सो गाइस अभी यहाँ पे खाना खाना है अपने को सबसे पहले, पहुंच गए पता नहीं 10-15 किलोमीटर चले होंगे यार, पर मंडी से निकले हुए 4.5 किलोमीटर निकल चुके आगे। क्या ही है, मेन्यू पिट रहा है, क्या पिट रहा है नजर इधर है कुछ तेरी सब जगह रखते हैं। ओ रनू राइडर, नया व्लॉगर दे दिया हमने, खाना आएगा तो सुबह हमने सोचा क्यों ना खाना खा ले फटाफट, फ्री होएंगे यार, फिर अपने को राफ्टिंग भी करनी है और वैसे भी ना भूख भी लगी हुई यार, तो फिर अभी पता नहीं यार सफर में क्यों भूख लगती है इतनी, मेरे को तो बहुत तगड़ी वाली लग रही है भूख। रोटी आ गई, सब्जी भी आ चुकी है, खाना आ चुका है अपना और खाने को फिनिश करना है यार फटाफट, और फिर निकलने आगे की तरफ। नोनो हो गया प्लेट में, वो किस चीज़ की सब्जी है रे? नहीं है कट्टी, खाना वाना हो चुका है अभी अभी अपने को जस्ट निकलना है क्योंकि
अभी हम सोच रहे हैं कुल्लू तक पहुंच जाएं जैसे तैसे करके और फटाफट पहुंच जाए और कुल्लू में राफ्टिंग करें यार। तो निकलते हैं, आपसे मिलते हैं बाइक पे। फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और मेरा ना GoPro की बैटरी भी टाइम हो रही है यार, तो उसको भी चार्ज लगाना पड़ेगा मेरे को। ओके लेट्स गो, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। अरे वो स्टैंड टेढ़ा हो गया अभी। एक्चुअल में क्या है ना, स्प्लेंडर के लिए बहुत इशू होता है यार, एक साथ में ना एक जैसी गाड़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि कितनी ज़्यादा डस्ट है यार, बहुत ज़्यादा डस्ट है इधर। इसी वजह से ना पूरे राइडिंग गियर पहने मैंने, कोई इशू और नहीं है। अंदर जो बॉडी है ना उस पर कोई भी डस्ट नहीं लगने वाली है, कपड़ों पे चाहे मर्जी जितनी लगो कोई इशू नहीं है। यार ये रोड का कंस्ट्रक्शन काम कब से चल रहा है यार, 3 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ। चलो भाई ट्रक वाले भैया जाने दो। अच्छा वन वे है ना इधर से, ऊपर वाला रास्ता ही बंद है यार। सच में कह रहा हूँ, कल से ना आज पहली बार मैंने 85 की स्पीड को अचीव किया यार, और पता है ना नोनू भाई आगे चला गया, तो उस वजह से बहुत ही इजी हो रहा है यार क्रूज़ करना यार, मस्त है ना। ये वाले नज़ारे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं यार। और ये कीचड़ वाले ना, ये बहुत बेकार लगते हैं यार, कीचड़ होता है रोड पे तो उसमें ना बाइक स्किड होने के चांसेस बहुत रहते हैं। कैसे है ना रोड है, एकदम जिगजैग सी रोड है और एकदम नैरो रोड है यार, बहुत ही स्लोली और बहुत ही ध्यान से बाइक को राइड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ना सामने से कोई भी किसी भी टर्न में अपने लिए मौत इंतज़ार कर सकती है भाई, अगर सही से नहीं चले तू तो। थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा यार। और वो देखो बसें वाले ना इधर बहुत ही गंदे से चलते हैं, और ट्रैफिक के नाम पर ना सच में यार पूरा मनाली में ना ट्रैफिक बहुत तगड़ा वाला है यार। ये देखो मस्त है ना इधर वाला व्यू। नंबर 11 नाम क्या यार, पहला टर्नल है अपने राइड का, कितना लंबा है वो तो पता नहीं मेरे को। ओ भाई मजा। और एग्जिट पॉइंट भी आया और टनल वापस स्टार्ट भी हो गया, तो यार बीच में इतना सा क्यों रखा है। वाह भाई पूरा सनराइज हो चुका है, बाहर निकलते हैं ऐसा लग रहा है कि रात से दिन में आ चुके हैं, और रोड मस्त है यार सच में यार। कि अभी पूरा रास्ता टनल में बीतने वाला है कुल्लू तक, और ये रास्ता सबसे टफ था यार, पूरा रास्ता ना बहुत ही मस्त वाला और बहुत ही ईजी बना दिया यार सच में बोल रहा हूँ। ये देखो एग्जिट हो चुका है वापस से, दो तीन टनल एक एक साथ में यार। बस फाइनली हम कुल्लू के पास में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर एक राफ्टिंग हो रही है सारी जगह, और हम भी राफ्टिंग करने का सोच रहे हैं, और हमारी गाड़ियाँ वगैरह इधर खड़ी है। ओ भाई अभी आगे चल के राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना नीचे उतरने का रास्ता नहीं है यार। अगर हमारे पास ऑप्शन होता ना कि नीचे यहाँ से सीधा गाड़ियों को ना जंप मार सकते हैं, तो फिर हम जंप मार देते यार। तो यहाँ पर जो व्यू है ना वो मस्त है यार, इसी वजह से हमने सोचा क्यों ना यार एक बार यहाँ पर है ना रुक के रील को अपडेट करते हैं और थोड़ा सा वीडियो को शूट करने यार। और आगे कहीं चल के ना अपने को राफ्टिंग के लिए कोई जगह देखनी है यार मस्त सी, जहाँ पर है ना पानी का फ्लो मस्त वाला हो, बस वही चीज़ देखनी है और राफ्टिंग करनी है, मज़ा लेना यार फुल, वो पानी के अंदर है ना डिप लगा के मज़े लेने, बस मज़े लेना है। और सैंडलिंग कर रहा है स्प्लेंडर पे, बस मस्त है, मुंह देखो कैसा कर रहा है। वो ना वो जो हमारे ना इधर खेतों में ना वो अड़ुआ बोलते हैं लैंग्वेज में, जैसे स्टेचूज होते हैं ना उसको हमारी लोकल लैंग्वेज में अड़ुआ बोलते हैं, तो वो वैसा ही लग रहा है ज़्यादा। सो यार ना अभी कुल्लू के अंदर मनाली के अंदर वैसे ना ग्रीनरी बहुत तगड़ी वाली है यार, देखो पूरे माउंटेन्स के ऊपर ग्रीनरी ग्रीन घास है यार घास, जिस वजह से ना लुक मस्त आ रहा है यार। सामने माउंटेन के ऊपर क्लाउड है यार सब जगह, तो उस वजह से ना वहाँ पर मेरे को पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे गर्मी भी नहीं लगने वाली, इधर तो बहुत तगड़ी वाली गर्मी लग रही है भाई सच में बोल रहा हूँ। क्योंकि ना 15-20 मिनट हमने ना पीछे रोके था और वहाँ पे रील लिया था, स्टोरी अपडेट की है, आपको पता होगा अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा। बहुत पुराना ब्रिज है वो, वैसे तो बंद ही हो चुका है शायद, देखता हूँ यार उधर से बंद हुआ है क्या। नहीं एक वे उधर से स्टार्ट है एक वे इधर से स्टार्ट है। तो भाई कुल्लू के अंदर राफ्टिंग वाला पॉइंट पे आए, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि राफ्टिंग उतरने वाला है यार। अरे तो ला दो देना बस। सो गाइस अभी यहीं पे पार्क करेंगे अपनी 390 ADV को। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुल्लू में, और राफ्टिंग करने के लिए
विंड की नॉइज बहुत आ रही है ना आपको, विंड की नहीं है यार पानी की नॉइज है। अब सनी भाई मजे ले रहे हैं वहाँ पर और ये अपने फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं। मेरे को भी तो जाना यार। तो अभी ना यहाँ से अपने को नॉन स्टॉप निकलना है राफ्टिंग वाली जगह से, कुल्लू से, और मनाली पता नहीं कितना है यार। अरे यार क्या है 390 क्यों बंद हो रही है? सेकंड गियर में थे ना उस वजह से बंद हो रही थी। सुना ये जो रोड्स वगैरह ना इनको रात को कवर कर लेना, जितना कवर कर सके ना उतना कवर कर लो, पर ये नज़ारों को अगर आनंद लेना ना तो फिर भाई रात को बंद करना प्लीज़, क्योंकि ना मनाली में कुछ नहीं है यार। ये जो सब कुछ है ना वो इन चीज़ों को देखने के लिए ही आते हैं लोग, और यही है यार सब कुछ। नेचर तो आपको पता है ना, नेचर बहुत मस्त है यार इधर का मनाली का, और का माउंटेंस वगैरह ये चीज़ है। स्नो देखो, स्नो भी दिख रही है ऊपर माउंटेंस के ऊपर है ना, अभी दिख रही है, पर ऐसा ना अमूमन इन दिनों में दिखती नहीं है इतना जल्दी। वैसे ना आप मनाली जैसे पहुँचोगे तो रोहतांग जाओगे ना तब आपको थोड़ा बहुत दिखने लगेगी। मनाली 21 किलोमीटर जस्ट यार, सही है ना ये तो, रोहतांग 74 किलोमीटर। बस अभी अपने फ्रेंड लोग बस कितना दूर हो रहे हैं वही देखना पड़ेगा। एक फ्रेंड है ना अपना आगे, तो फिर वो जहाँ स्टे करेंगे ना तो वहीं पे स्टे करने वाले हैं। आज का दिन यहीं पे स्टे करेंगे मनाली में, क्योंकि ना ये मेरा जो ग्लास है ना ये टूट गया है, तो मेरे को चेंज भी करवाना है यार ये, क्योंकि रात को मैंने बाइक को पार्क किया था और साला कोई तोड़ गया यार, समझ ही नहीं आया कौन तोड़ गया। आगे चेक पोस्ट है, देखते हैं चेक पोस्ट पे अपने से पर्ची काटते हैं या नहीं काटते। शायद अपने को फ्री ऑफ द कॉस्ट जाने देंगे यार, कोई झंझट नहीं होगा यार। तो अभी जो लोकेशन है ना ये है मनाली की, मनाली में तो एंटर हो ही चुके हैं, बस अभी अपने को ओल्ड मनाली में जाना है। ओल्ड मनाली यहाँ से होगा 1-2 किलोमीटर बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी भीड़ बहुत होने वाली है, क्योंकि ना जैसे जैसे मार्केट आएगा ना वैसे वैसे तो आपको पता है कि भीड़ का रास्ता बहुत तगड़ा वाला होगा। सामने वाली है मॉल रोड, ऑलमोस्ट अब पहुँच चुके हैं मॉल रोड पे, अपने को जाना है ओल्ड मनाली रोड। यार कितना ट्रैफिक है यार इधर अभी तो, इस ट्रैफिक से होते हुए निकलना। एक्चुअल में ना मेरी गाड़ी ना बहुत हीट मार रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लो चलाएंगे ना तो फैन है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे पैरों के पास में ना बहुत ज़्यादा हीटिंग कर रहे हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम होटल के पास में, और यहाँ पे अपने को स्टे करना, लगेज लेना है सारा, और ऊपर चढ़ना भाई, सीढ़ियाँ चढ़ना तो मुश्किल होगा। मेरे को पता नहीं कौन से फ्लोर पे, फर्स्ट पे सेकंड पे कौन से पे। यहाँ पे पार्क करनी है, ऐसा डाली थी ना तो वो खड़ी नहीं हो रही है, क्या डालना पड़ेगा। धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे नहीं गिर मत जाना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक मस्त वाली अमेजिंग वाली लोकेशन पे, और अभी हम जिस लोकेशन पे ना वो है ओल्ड मलानी, और रूम दिखा देता हूँ मैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यार। चलो भाई नॉर्मल है पर रीजनेबल प्राइस में, एक ये है और वो वॉशरूम है, एक आगे वाला और है, दो रूम लिए हमने, कैफे भी है साथ में, है ना मस्त वाला लोकेशन सच में यार। रिवर के पास में कैफे है, कैफे के पास में अपना सामने रूम है। अभी अपने को हल्दी पर फ्रेश होना है, नहाना धोना है, और वैसे ना ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सुबह से दोपहर हो चुकी है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैंने आपसे इजाजत दी, थैंक यू वेरी मच, बाय।